कभी कभी आपकी जिंदगी में ऐसा हादसा हो जाता है कि वो आपके पूरे जीवन का मकसद ही बदल देता है। ऐसा ही एक हादसा हुआ था पश्चिम बंगाल के चाय बागान में काम करने वाले करीमुल हक के जीवन। वो 1995 का साल था। जलपाईगुड़ी जिले के धलाबारी इलाके के रहने वाले करीमुल हक की माँ गंभीर रूप से बीमार थी। उन्हें इलाज की जरूरत थी, अस्पताल पहुंचने के लिए एम्बुलेंस चाहिए थी। वो भागकर बाजार गए कि गाड़ी मिल जाए, लेकिन नहीं मिली। एक जमींदार के यहाँ गए कि गाड़ी मिल जाए, लेकिन ड्राइवर नहीं था। इलाज के अभाव में करीमुल हक की माँ की मौत हो गई। इसके कुछ ही दिनों के बाद करीमुल हक के जीवन का उद्देश्य बदल गया। इस हादसे को 20 साल से भी ज्यादा का वक्त बीत गया है और अब पूरे इलाके में ही नहीं बल्कि पूरे देश में करीमुल हक को लोग उनके नाम से नहीं बल्कि बाइक एम्बुलेंस दादा के नाम से जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। मेरे हाथ में जो किताब है उसके नायक यही करीमुल हक है। ये किताब उन्हीं करीमुल हक के बाइक एम्बुलेंस दादा बनने की कहानी है। ये कहानी है उस जिद की जिसके आगे मुश्किलों ने भी दम तोड़ दिया था। ये कहानी है उस इंसान की जिसने अपनी माँ को खोने के बाद तय किया कि एम्बुलेंस के अभाव में अब उसके इलाके में किसी की मौत नहीं होगी। ये कहानी है उस जज्बे की जिसका नतीजा है कि करीमुल हक अब तक करीब 4000 से भी ज़्यादा लोगों को अपनी बाइक एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचा चुके हैं और उनकी ज़िंदगी बचा चुके हैं। इसके लिए उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। श्री करीमुल हक समाज सेवा, और अब उनका नाम हो गया है पद्मश्री करीमुल हक बाइक एम्बुलेंस दादा। वरिष्ठ पत्रकार विश्वजीत झा ने इस किताब में करीमुल हक के संघर्ष को बखूबी बयां किया है। बचपन में करीमुल हक के बांग्लादेश भागने की कहानी हो या फिर वहां से लौटकर शादी करने और फिर कम उम्र में ही अपनी बच्ची लक्की को खोने की कहानी, या फिर इलाज के अभाव में अपनी माँ के दम तोड़ देने की कहानी, इन कहानियों के बयान में 70 के दशक का बंगाल भी दिखता है। वहाँ के चाय बागान भी दिखते हैं, मालिक और मजदूर का रिश्ता भी दिखता है और लोगों का संघर्ष भी। पेंगुइन से छपी करीब 200 पन्ने की इस किताब में विश्वजीत झा ने करीमुल हक के चाय बागान मजदूर से बाइक एम्बुलेंस दादा बनने की कहानी को बयां किया है। विश्वजीत झा लिखते हैं कि 1999 में काम करने के दौरान करीमुल हक का एक साथी अजीजुल हक गिर पड़ा। लोगों ने एम्बुलेंस मंगवाने की कोशिश की लेकिन नहीं मिली। वक्त कम था, करीमुल हक को अपनी माँ का ध्यान आया। फिर उन्होंने अपने मैनेजर की बाइक ली, खुद ड्राइविंग सीट पर बैठे, पीछे अजीजुल को बिठाया और उन्हें कपड़े से अपने साथ बांध लिया। भागते हुए करीमुल अस्पताल पहुंचे, वक्त पर इलाज मिला और अजीजुल हक की जान बच गई। यहीं से करीमुल हक को ख्याल आया बाइक एम्बुलेंस का, लेकिन पैसे नहीं थे तो करीमुल हक ने साइकिल से ही बीमारों को अस्पताल पहुंचाना शुरू कर दिया। उन्हें बाइक खरीदने में 8 साल का वक्त लगा क्योंकि पारिवारिक जिम्मेदारियां थी। 2003 में बड़ी बेटी लीजा की शादी और फिर 2005 में छोटी बेटी शिमू की शादी के बाद साल 2007 में करीमुल हक के पास इतने पैसे इकट्ठा हो सके कि वो एक बाइक खरीद सके। बाइक के लिए उन्हें लोन भी लेना पड़ा, लेकिन उनका सपना साकार हुआ। कंग अमीर लोगों को उन्हें 15 किलोमीटर दूर माल बाजार सब डिवीजन हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ता था, जबकि गंभीर बीमार लोगों को 45 किलोमीटर दूर जलपाईगुड़ी सदर अस्पताल लेकर जाना पड़ता था। वो लगातार ये काम करते रहे। तब उनकी सैलरी करीब 3000 रुपये हुआ करती थी और इसका एक तिहाई हिस्सा यानी कि करीब 1000 रुपये वो लोगों को अस्पताल पहुंचाने में ही खर्च कर देते थे। हालांकि जब भी वो किसी मरीज को अस्पताल लेकर जाते थे तो जिस चाय बागान में वो काम करते थे उसका मालिक उनकी सैलरी में से पैसे नहीं काटता था। ध्यान से सुनिएगा, मालिक पैसे नहीं काटता था। ये एक बड़ी मदद थी जो करीमुल हक को अपने मालिक से मिली हुई थी। करीमुल हक की बाइक पर कई लोगों की मौत भी हुई तो कई बार उन्होंने ऐसा कर दिखाया जैसा पहले कभी नहीं। उदाहरण के तौर पर उन्होंने बाबू मोहंता नाम के एक शख्स की जान बचाई थी जिसे एक जहरीले सांप ने काट लिया था। बाबू मोहंता उस पूरे इलाके में सांप काटने के बाद जिंदा बचने वाले पहले इंसान थे। ये सब हुआ था करीमुल हक की वजह से। किताब में कई कहानियां हैं जिनमें मरते मरते शख्स की जान करीमुल हक की वजह से बच गई। डॉक्टरों ने भी करीमुल हक की मदद की और करीमुल हक को इतनी दवाइयां बता दी कि वो इमरजेंसी में गांव के लोगों का इलाज कर सकें। बजाज कंपनी ने उन्हें ऐसी गाड़ी दे दी कि वो आसानी से अपनी बाइक से किसी को अस्पताल पहुंचा सकते हैं, किसी की डेड बॉडी को उसके अपनों तक पहुंचा सकते हैं। इस काम का उन्हें सम्मान भी मिला और साल 2017 में उन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित भी किया गया।
जिस दिन उन्हें यह खबर मिली उन्हें पता भी नहीं था कि पद्मश्री सम्मान होता क्या है। राष्ट्रपति भवन से निमंत्रण मिला तो उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो दिल्ली आ सकें। खबर मीडिया में आई तो कुछ संगठनों ने उनके दिल्ली आने की व्यवस्था की। इतने सब हासिल के बाद भी करीमुल हक अपने काम में लगे हुए हैं। अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र उनके हीरो हैं, तो बंगाली होने के नाते मिथुन चक्रवर्ती के लिए उनके दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर भी है। वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए पीएम मोदी की तारीफ करते हैं, तो आयुष्मान योजना को प्रधानमंत्री की अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक बताते हैं। पद्मश्री के बाद हालात इतने बदले हैं कि अब करीमुल हक देश के बड़े बड़े डॉक्टरों से बात करते हैं और उनके रेफर किए गए मरीजों का इलाज देश भर के बड़े डॉक्टर फ्री में करते हैं। सियासत से दूर करीमुल हक अब भी अपने काम में तल्लीन हैं और चाहते हैं कि कोई भी इलाज के अभाव में दम न तोड़े। बाकी तो उनकी उपलब्धियां इतनी हैं कि एक किताब उसको समेटने में कम पड़ जाएगी, लेकिन वरिष्ठ पत्रकार विश्वजीत झा ने ये कोशिश की है और बखूबी की है, जिसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। तो आप भी करीमुल हक के जीवन पर लिखी इस किताब को पढ़िए, औरों को भी पढ़ाइए। पेंगुइन से छपे इस किताब की कीमत है महज 250 रुपये। शुक्रिया, आप देख रहे थे अंकल।